Good morning and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with Modern Indian History Series. And in this lecture number 20, we'll study First Anglo Sikh War. If you have any doubts, you can ask me on Instagram. My Instagram ID is given here. If you want Modern Indian History playlist, then click this link. And if you want Indian Polity playlist, then click here. Okay, so मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे जो flags आपको दिख रहे हैं, एक British का flag है और एक Sikh का flag है. यहाँ पे Anglo Sikh War हम अभी study करने वाले. Anglo का meaning मैं आपको बता चुका हूँ. Anglo यानी British. तो British और Sikh के बीच में जो war हुए थे, वो अभी हम study करने वाले. और ऐसे दो war हुए थे. ये दो wars अभी हमको study करना है. So सबसे पहले हम map देख लेते हैं. मैप में जैसे कि हम देख सकते हैं कि अवध और बंगाल ये किस तरह से ब्रिटिश को मिलते हैं, ये हम स्टडी कर चुके हैं. हमने ये भी देखा कि निजाम के साथ वो एक ट्रीटी साइन करते हैं और निजाम का एरिया भी ले लेते हैं. उसके बाद वो मैसूर का एरिया भी ले लेते हैं. मैसूर का एरिया भी उस पर भी रूल करना शुरू कर देते हैं इनडायरेक्टली, सब्सिडियरी अलायंस साइन करके. उसके बाद मराठा का एरिया भी जीत लेते हैं बाय एंग्लो मराठा वॉर. यहाँ बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हमने स्टडी किया था, और ये दोनों में मिलकर हमने बैटल ऑफ बक्सार स्टडी किया था. उसके बाद हमने एक सरकार वाला जो रीजन है वो किस तरह से ब्रिटिश को मिलता है, ये हमने स्टडी किया था. उसके बाद हमने एंग्लो मैसूर वॉर स्टडी किए थे, जो चार एंग्लो मैसूर वॉर थे जिसके बाद ब्रिटिश को ये एरिया मिल गया. उसके बाद हमने तीन मराठा वॉर स्टडी किए थे. तीन मराठा एंग्लो मराठा वॉर के बाद ये मराठा एम्पायर ब्रिटिश को मिल गया. उसके बाद हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध देखा जिसमें ये मिला. अब हमको देखना है ये एरिया ब्रिटिश को किस तरह से मिलता है. तो ये ब्रिटिश को भी मिल चुका है, ये मिल चुका था, ये मिल चुका है. जितना हमने अब तक स्टडी किया है ये ब्रिटिश के अंडर है और ये भी ब्रिटिश के अंडर है. अब ब्रिटिश चाहते हैं कि उनको ये भी एरिया मिले. जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से फॉरेन इन्वेडर्स थे, उनका खतरा बना रहता था, और उनसे बचाने के लिए ब्रिटिश को ये एरियाज की ज़रूरत पड़ रही थी. सो अब हम ये एरिया किस तरह से ब्रिटिश को मिलने वाला है ये हम देखेंगे. इसके लिए हमको जो वॉर स्टडी करने हैं वो है एंग्लो सिख वॉर. और इस तरह से जो सिख वॉर हुए थे ये दो हुए थे. तो अब हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम ये पंजाब वाला एरिया जो इसको स्टडी कर लेते हैं. So now we'll study the Punjab. पंजाब क्या है ये हमको देखना है. अभी प्रेजेंट पंजाब क्या है ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको ढूंढना है. क्योंकि देखिए ये मैं हिस्ट्री के लेक्चर से, तो मैं आपको पंजाब की हिस्ट्री जो थी वो थोड़ा सा बताऊंगा. बट हिस्ट्री में भी जितना वॉर के लिए एसेंशियल रहेगा उतना ही आपको बताने वाला हूँ. सो आप हम सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं. तो हमको बैकग्राउंड में सबसे पहले पंजाब देखना है, और पंजाब में सिखिज्म कैसे आता है ये हमको देखना है. तो सिख जो है इनका हम स्टडी करेंगे सबसे पहले. सो बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के जो अंत था उस वक्त, गुरु नानक जो थे उन्होंने एक नया रिलीजन बनाया जिसको कहा जाता है सिख रिलीजन. सो गुरु नानक फाउंडेड सिख रिलीजन. उसके बाद देखेंगे तो गुरु हरगोविंद जो थे वो 6th गुरु बनते हैं इनके. यानी जिस तरह से सिख जो थे उनके गुरु आते गए, और इसमें 6th गुरु जो थे ये थे गुरु हरगोविंद. गुरु हरगोविंद ने जो मिलिटरलाइजेशन है वो सिखिज्म में शुरू किया था. यानी सिख जो थे उनमें ही आर्मी बनाने का काम शुरू किया गया था गुरु हरगोविंद के वक्त. सो सिख रिलीजन में आर्मी बनाने का काम गुरु हरगोविंद शुरू करते हैं जो 6th गुरु बनते हैं. तो इन्होंने मिलिटराइजेशन ये शुरू कर दिया था सिखिज्म. उसके बाद इसको बढ़ावा कब मिला, तो गुरु गोविंद सिंह आए. गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा बनाया. खालसा तो सिख वॉरियर जो थे, जो सिख योद्धा थे उनका मिलके कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी बनाई गई जिसको खालसा कहा जाता है, जिसको आप सिख आर्मी भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे खालसा बनाया गया. तो सिख वॉरियर्स रहते हैं खालसा में, और ये बनाया गया 1699 में बाय गुरु गोविंद सिंह. उसके बाद उन्होंने, इन्हीं का कुछ अचीवमेंट्स ऐसे है, इन्होंने खालसा तो बनाया ही था, उसके साथ उन्होंने 5 केज लाए थे. 5 केज का मतलब है 5 आर्टिकल्स जो भी सिख है उनको ये पहनने पड़ते हर बार. वो 5 चीज़ें यहाँ पे दी गई है. सो 5 चीज़ों में मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो होता है वो है केश. सो जो केश है ये यानी अनकट हेयर्स होते हैं, बाल काटना नहीं होता है. उसके बाद कंघा होता है. कंघा एक वुडन कोम्ब होता है. कंघा आपको बताया हिंदी में कंघा कहा जाता है, वुडन कोम्ब. कड़ा, कड़ा तो आप जानते ही है, जो सिख होते हैं उनको कड़ा पहनते हैं. जो आयरन या स्टील का ब्रेसलेट हो सकता है जो आपको हाथ में पहनना होता है, ये रिस्ट पे पहनना होता है, ये एक कड़ा. उसके बाद किरपान. किरपान यानी ड्रैगर होता है. किरपान आप देख सकते हैं कि किरपान एक ड्रैगर होगा,
उसके बाद कचेरा, कचेरा यानी ब्रीचेस होते हैं, शॉर्ट ब्रीचेस जो पहने जाते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 Ks होते हैं। इन सब के आप अगर नहीं आप इमेजिन कर पा रहे हो तो इसको गूगल में डाल के आप सर्च कर लीजिएगा इमेजेस में, आपको समझ जाएंगे पांचों चीज़ें। ओके, तो ये 5 चीज़ें भी लाई गई थी गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तो ये 5 चीज़ें पहनना एक सिख को ज़रूरी होता है हर वक्त। ये तब से ये सिस्टम आया था, गुरु गोविंद सिंह ने लाया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि जब गुरु गोविंद सिंह जो थे उनकी जब डेथ हो गई, उसके बाद बंदा बहादुर थे ये सिख वॉरियर, एक सिख वॉरियर हुआ करते थे, खालसा आर्मी के यहाँ पे कमांडर बन गए। यानी देखिए अब तक जो कमांड थी खालसा की वो गुरु गोविंद सिंह संभालते थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने ही बनाया था ये आर्मी। सो उसके बाद खालसा जो आर्मी थी इसके ये गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर जो थे उन्होंने इसका कमांड अपने हाथ में ली, तो ये कमांडर बनते हैं अगले। सो यहाँ हमने देखा कि ये सिखिज्म का एक बैकग्राउंड है। हमने ये देखा यहाँ पे कि सिख रिलीजन कैसे आया, गुरु नानक द्वारा लाया जाता है। उसके बाद मिलिटराइजेशन कब शुरू हुआ, तो गुरु हरगोविंद ने शुरू किया। और कब से खालसा आया, तो गुरु गोविंद सिंह के वक्त खालसा आया। और जो नए कमांडर बने थे वो थे बंदा बहादुर। इस तरह से खालसा जो थी सिख आर्मी ये अभी एक्टिव थी पूरी तरह से। अब आगे आप देखेंगे तो हम देखते हैं रंजीत सिंह। सो अब तक हम इस टाइम तक देखे, अब हम आगे जो देखने वाले वो है रंजीत सिंह। अब हम रूलर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम देखने वाले हैं पंजाब के बारे में। अब हम इस रीजन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसके बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रंजीत सिंह जो थे इनसे हमको स्टडी की शुरुआत करनी पड़ती। तो 1792 में रंजीत सिंह हेड बन गए। एक सुखर चकिया मिसल है उसके। मिसल क्या होती है, अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं। मिसल जो है, मिसल का मीनिंग होता है एक सोवेरिन स्टेट। एक स्टेट होता है जो सिख के अंडर आता है, उसको मिसल कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मिसल मीन्स द सोवेरिन स्टेट ऑफ सिख कॉन्फेडरेसी। सो सिख जो है उनका खुद का एक स्टेट होंगे, अलग अलग ऐसे स्टेट्स, तो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था सिख जो थे उनके कॉन्फेडरेसी। और इसी तरह से शुकर चकिया करके जो है, सुकर चकिया मिसल, इसके हेड बनते हैं रंजीत सिंह। तो हमको ये यहाँ पे सुकर चकिया मिसल हमने देखा, मिसल का मीनिंग आपको मैंने आपको क्लियर करके दिया है। 1799 में उन्होंने लाहौर जीत लिया और खुद को महाराजा डिक्लेयर कर दिया लाहौर का। एक उन्होंने रूलर डिक्लेयर किया था खुद को लाहौर का, तो ये महाराजा ऑफ लाहौर डिक्लेयर्ड उन्होंने खुद को कर दिया और 1799 में उन्होंने लाहौर जीता था। उसके बाद वो एक्सपांशन करते जा रहे थे अपने किंगडम का। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 1802 में अमृतसर वो जीत लेते हैं। उसके बाद जितने भी मिसल थे, यानी आप देखोगे तो जो सतलज रिवर है, सतलज रिवर, तो आपको मैप बुक साथ में लेके बैठना है। मैप बुक में आप देखोगे सतलज रिवर, सतलज रिवर का जो भी वेस्ट साइड हो, जो भी आपको वेस्ट साइड दिख रहा है, वहाँ के जितने भी मिसल थे ये पूरे रंजीत सिंह जो थे उन्होंने जीत लिए। 1803 की बात है, उन्होंने लुधियाना भी जीत लिया। ये पूरे जो एरियाज मैंने बताए, ये मैप बुक पे आपको वीडियो पॉज कर करके मार्क करने, तभी आपकी स्टडी अच्छे से होगी। सो यहाँ पे आप देखोगे तो मिसल वो पूरे जीत जाते, उसके बाद वो लुधियाना जीत जाते। उसके बाद अब इतने सारे जो इनके अचीवमेंट्स थे, इतने ब्रेवली फाइट करते थे और इतनी सारी चीज़ें थे वो जीतते जा रहे थे, तो ब्रिटिश को लगता है कि ये एक खतरा हो सकता है हमारे लिए, या फिर हम थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमें इन रीजन्स के तरफ, क्योंकि अगर देखा गया तो ये रीजन वही रीजन है जहाँ से कोई भी फॉरेन इन्वेडर आ सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग रूलर रूल कर रहे हैं जिनका नाम है रंजीत सिंह। सो इस तरह से यहाँ पे कुछ ब्रिटिश ने कुछ करने का सोचा, तब यहाँ पे आई ट्रीटी ऑफ अमृत। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में सबसे आपको पहले बता दूँ आपको, ये 1809 में साइन की गई थी। द ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 25 अप्रैल 1809। सो 1809 ये साल है जिसमें ट्रीटी साइन की गई थी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि रंजीत सिंह जो थे उनका जो एरिया था, इस एरिया में फॉरेन इन्वेजन हो सकते थे। ये बात तो अलग है कि सिंध को तो ब्रिटिश अपने अंडर ले ही रहे थे, बट ये जो एरिया था यहाँ पे धोखा हो सकता था। अगर रशिया अगर एंटर कर जाता है यहाँ से, तो इंडिया में आने का खतरा ब्रिटिश को लग रहा था, जिस कारण ब्रिटिश ने एक प्लान बनाया कि हम अभी एक ट्रीटी कर लेते हैं। तो यहाँ पे रशिया के इन्वेजन से बचाने के लिए चार्ल्स मेटकाल्फ जो है उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी रंजीत सिंह के साथ। अब ये ट्रीटी के लिए भी बहुत लंबी एक चर्चा चली थी, बहुत बड़ी एक चर्चा चली थी, क्योंकि इतने जल्दी कोई ट्रीटी साइन करने को रेडी नहीं थे। सो रंजीत सिंह भी उतने स्ट्रांग रूलर थे, तो जितनी भी टर्म्स थी उन सब टर्म्स के कारण, यहाँ जो टर्म्स रखी गई या जो भी इनमें डिस्कशंस हुए, जिसके वजह से ये ट्रीटी साइन कर दी गई 25 अप्रैल 1809 को। टर्म्स जो थी ट्रीटी की वो ये कह रही थी कि देखिए हम क्या, देखिए हम तो हम भी पावर है, आप भी पावर है, हम आपको भी पावर मानते हैं, हम भी पावर है, आखिरकार हम दोनों पावर है।
सो हम दोनों ने एक पीस बनाना चाहिए, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए, जबकि हमने ये रीजन जो है वो आराम से एक दूसरे के साथ बांट के उसको हमने रूल करना चाहिए। तो ट्रीटी ऐसी कहती थी कि जो सतलज रिवर है, सतलज रिवर के साउथ का जितना भी पार्ट है, यानी सतलज रिवर के नीचे का पार्ट, साउथ का पार्ट जो रहेगा, वो वहां पे आप अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते। सो इट प्रिवेंटेड द ट्रम्प टर्म जो है, ये टर्म्स जो रहेंगे ट्रीटी की, वो उन्होंने प्रिवेंट किया था कि जो रंजीत सिंह है वो साउथ में नहीं जा सकते सतलज के, और जितनी भी चीज़ें साउथ यानी जितने जहां जहां से रिवर बह रही है उसकी साउथ रीजन अगर आप देखोगे तो ये पूरा एरिया प्रोटेक्ट होता था बाहर से, इसके साउथ में आप नहीं जाओगे। और दूसरी बात ये है कि नॉर्थ में आप जा सकते हो, सो नॉर्थ का जितना भी रीजन रहेगा इस पे आप अपना एक्सपेंशन कर सकते हो, बट साउथ का रीजन हमारा, नॉर्थ का रीजन आपका, साउथ और नॉर्थ, इस तरह से उन्होंने बांट लिया और हम दोनों यहाँ पे शांति से अपने रीजन पे हम रूल करेंगे। इस तरह से ये ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है 1809 में। ये हम क्यों स्टडी करें, क्योंकि यही आगे जाके कुछ कारण बनते हैं इस वॉर के, जो वॉर शुरू होने वाला है, तो ये सब यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809 में। आफ्टर दिस ट्रीटी रंजीत सिंह जो थे, उनको अभी जो एरिया मिला था नॉर्थ का, उन्होंने नॉर्थ जीतना शुरू कर दिया। रंजीत सिंह जो थे एक्सपांशनिस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे और वो एरियाज जो है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते थे अपना। अब आप देखोगे तो उन्होंने कांगड़ा जीत लिया, कांगड़ा नॉर्थ में अगर आपको जगह मिली है सतलज के, तो उन्होंने उसका फायदा उठाया, उन्होंने कांगड़ा जीत लिया, उन्होंने अटक जीत लिया, उन्होंने मुल्तान जीता, उन्होंने कश्मीर जीता, उन्होंने पेशावर तक जीत लिया और काफी सारे जो रीजन थे नॉर्थ में वो पूरे जीतना रंजीत सिंह ने शुरू कर दिए। 1814 में, 1814 में रंजीत सिंह ने प्रोटेक्शन दी थी शाह शुजा को। शाह शुजा कौन थे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान का रीजन है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो अफगानिस्तान का जो रीजन था, यहाँ पे एक शाह शुजा नाम के एक रूलर हुआ करते थे। शाह शुजा के साथ रिलेशन अच्छे थे रंजीत सिंह के, तो उन्होंने जो रूलर थे अफगानिस्तान के, उनको उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था कि आपको, आप पे अगर कोई भी अटैक करता है तो हम आपके साथ, इस तरह से प्रोटेक्शन दिया गया। और रिटर्न में रंजीत सिंह जो थे उनको, जो शाह शुजा थे, उन्होंने कोहिनूर दिया। अब कोहिनूर का जो हीरा है ये इस तरह से इंडिया में आता है, रंजीत सिंह को ये कोहिनूर का हीरा सबसे पहले मिलता है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, याद रखिएगा। कोहिनूर का हीरा बहुत बड़ा, बड़ी स्पेशल चीज़ मानी जाती थी इंडिया के लिए, जो आज इंग्लैंड के पास है। सो कोहिनूर का जो हीरा था ये रंजीत सिंह को दिया जाता है भाई शाह शुजा। शाह शुजा जो थे ये, अगर आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान के थे। देखिए कोहिनूर के बारे में थोड़ा सा कुछ आपको बता देता हूँ। कोहिनूर का जो हीरा था ये रंजीत सिंह जो थे, इनको मिलने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या हुआ। कोहिनूर का हीरो आया, कोहिनूर का हीरा जो देखेंगे आप, सबसे पहले जो मुगल थे उनके पास था, उनके पास से नादिर शाह जो था ये लेके गए, उनके पास से अहमद शाह अब्दाली लेके गए। अहमद शाह अब्दाली के ही वंशज जो है उन्हीं के एक सक्सेसर बनते हैं शाह शुजा, और अब्दाली के बाद शाह शुजा है, और शाह शुजा के पास था, शाह शुजा ने रंजीत सिंह को दिया। और जब एंग्लो सिख वॉर खत्म हुआ, एंग्लो सिख वॉर खत्म होने के बाद वो ब्रिटिश को मिला और ब्रिटिश ने अपने पास वो रख लिया। इस तरह से ये थोड़ी सी स्टोरी है अपने कोहिनूर के डायमंड की, कोहिनूर के हीरे की। सो ये एग्जाम के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। ओके, सो ये बात है, ठीक है। सो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि 1838 में एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी की गई। अब देखिए शाह शुजा और जो रंजीत सिंह थे ये तो मिल चुके थे, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो रीजन है अफगानिस्तान का, इसको तो ब्रिटिश अपने पास लेना ही चाहते थे, उसके साथ साथ ये भी रीजन, तो रशिया जो आएगा वो यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, तो ये रीजन भी अगर आप अपने साथ इनको दोस्त बना लेते और इनको भी दोस्त बना लेते तो आप सेफ हो सकते हो। ये जब ब्रिटिश को लगता है तो ब्रिटिश एक ट्रीटी साइन करने का सोचते हैं, और उस ट्रीटी को कहा जाता है ट्राइपार्टाइट ट्रीटी। ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो है ये साइन की गई। ट्राइपार्टाइट का मैं आपको मीनिंग बता चुका हूं। ट्राइपार्टाइट का मीनिंग होता है तीन लोगों के बीच में साइन की गई ट्रीटी, और ये तीन लोग थे रंजीत सिंह, ब्रिटिश और शाह शुजा। इन तीनों के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी, फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी थी, तो ये फ्रेंडशिप ट्रीटी के एक दूसरे के हम हेल्प करेंगे जब भी हम मुश्किल में होंगे। सो इस तरह से ट्रीटी साइन की जाती है। 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है ट्रीटी साइन करने के बाद, और जब रंजीत सिंह जैसे एक वीर योद्धा की डेथ हो गई तब से एम्पायर का डिक्लाइनेशन शुरू हुआ। देखिए डिक्लाइन होना, एम्पायर जो डिक्लाइन हो रहा था, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि रंजीत सिंह जो थे ये बहुत स्ट्रांग तो थे, और उसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने काफ़ी सारे एरिया जीत लिए, तो इनके बाद जो आने वाले जितने भी इनके सक्सेसर होंगे वो भी उतने स्ट्रांग रहने चाहिए, अदरवाइज ये एरिया संभालना आपको मुश्किल हो जाएगा। और यही रीज़न बना कि ये एरिया जो है, ये एम्पायर जो है ये डिक्लाइन होने लगा, और रंजीत सिंह की जब डेथ हो गई 1839 में। रंजीत सिंह के बाद आपको बता दूं कि काफ़ी सारे वीक रूलर से भरा हुआ रहा जो रंजीत सिंह का एम्पायर था, जो रंजीत सिंह का पूरा
एरिया था वो, जैसे कि रूलर्स आए तो यहाँ पे खड़क सिंह आते, खड़क सिंह उनका एक बेटा था, खड़क सिंह जो बेटे थे उनके, खड़क सिंह बहुत वीक थे और खड़क सिंह रूलर बनने लायक नहीं थे। उनके बाद नवनिहाल सिंह आए, नवनिहाल सिंह भी काफ़ी वीक थे, उसके साथ शेर सिंह आए, शेर सिंह भी वीक थे। सो यहाँ पे उसके बाद आप देखोगे तो दलीप सिंह, सॉरी यहाँ पे रंजीत सिंह लिखा था मैंने, उसको ठीक किया और यहाँ दलीप सिंह किया, वो गलती से मैंने रंजीत सिंह लिखा था, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक सुधार लीजिएगा। तो दलीप सिंह जो है ये आते हैं पावर में, और दलीप सिंह कितने साल के, दलीप सिंह 5 साल के थे अगर आप देखोगे तो। यहाँ 1, 2, 3, 4 जो है स्टार्टिंग के चार, इन चारों का मर्डर कर दिया गया था, इन सबको मार दिया गया था। तो वहाँ पे जो एक माहौल था कि कौन अगला रूलर बनेगा, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे थे। उसके बाद जब दलीप सिंह बनते हैं वहाँ के रूलर, तो आप देखोगे तो दलीप सिंह आने के बाद असली शुरुआत होगी अब हमारे एंग्लो सिख वॉर की, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सो यहाँ अगर आप देखोगे सो दलीप सिंह ये 1845 में यहाँ पे रूलर बनते हैं, 1845 में, यानी आप देखोगे कि 39 में यहाँ पे डेथ होती है, और 39 से लेके 45 तक चार लोगों की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, चार लोगों का यहाँ पे मर्डर कर दिया गया था। सो ये चीज़ें होने के बाद दलीप सिंह जो थे ये 5 ईयर ओल्ड जो थे ये बन जाते हैं अभी किंग। अब ये कैसे चलाएंगे किंगडम, तो उनकी जो वीडो थी रंजीत सिंह की, जिनका नाम था रानी जिंदन, रानी जिंदन इनकी जो उनका बेटा था दलीप सिंह, उनके बेटे दलीप सिंह के तरफ से वो किंगडम चला रही थी। सो ये चीज़ें हम आगे स्टडी करने वाले। तो आपको अभी इतनी सारी हिस्ट्री अभी पता चल चुकी है, आपको बैकग्राउंड मैंने बता दिया, इस वॉर का बैकग्राउंड बनता है, ये सिखिज्म कैसे आता है, खालसा कैसे आया ये आपको बता दिया, रंजीत सिंह कौन थे, उन्होंने किस तरह से एरिया जीते, उन्होंने कौन सी ट्रीटीज साइन की, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब दलीप सिंह आ चुके हैं, नाउ बी रेडी, इट्स टाइम फॉर अ वॉर। बैकग्राउंड स्टडी होने के बाद वॉर स्टडी करने वाले हैं। सो वॉर का नाम है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और ईयर है 1845 से लेके 1846 तक ये लड़ा गया था। तो अच्छे से ये देखिए पेंटिंग, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे आपको दिख रही। सो ये पेंटिंग आपको दिख रही है कि ब्रेवली यहाँ पे लड़ रहे हैं जो सिख है वो, और ये वॉर होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो कि लड़ा गया था 1845 से 46 के बीच में। अब हम शुरुआत करते हैं रीज़न से, तो रीज़न क्या थी। सबसे पहले जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो तीन रूलर जो थे उसमें देखते हैं आप, तो खड़क सिंह, तीन रूलर्स में खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह और शेर सिंह, इन तीनों का भी मर्डर कर दिया गया था पंजाब में। उसके बाद 1845 में दलीप सिंह एक 5 साल के बेटे जो थे रंजीत सिंह के, ये रूलर बन जाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये अगर देखोगे तो उनकी यंगेस्ट वीडो थी, रंजीत सिंह जो थे उनकी काफ़ी सारी शादियाँ हुई थी, लगभग 20 के आसपास उन्होंने शादियाँ की थी, तो उसमें से उनकी जो सबसे यंगेस्ट वीडो थी जिनका नाम था रानी जिंदन, उनके ही सबसे छोटे, उन्हीं के जो बच्चे थे उनका नाम था दलीप सिंह जो 5 ईयर ओल्ड थे। तो रानी जिंदन जो थी रीजेंट बन गए, रीजेंट यानी उनके तरफ से वो किंगडम देखने वाली थी, सिर्फ गद्दी पे बैठेंगे या सिंहासन पे बैठेंगे वो होंगे दलीप सिंह, और जो रूल चलाएंगी वो रहेंगी रानी जिंदन। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे शुरू हो रही थी। सो सिंस 1833 ब्रिटिश ने ये प्लान तो पहले से ही कर लिया था कि हमको ये जीतना है, बट बीच में जो थे वो थे रंजीत सिंह जो ये जीतना नहीं दे रहे थे। तो ब्रिटिश ने पहले ही पंजाब कैप्चर करने का सोच लिया था, क्योंकि अगर ब्रिटिश पंजाब कर लेते तो बहुत सारा रीजन उनके लिए सिक्योर होने वाला था, ये ब्रिटिश को पता था, इसलिए ब्रिटिश तो पहले से ही प्लान बना के बैठे थे। बट 1843 में अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश ने सिंध जीत लिया था, तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जिसमें हम सिंध कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि फाइनली इन 1843 जो सिंध इट वॉज कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिश, सो ये ब्रिटिश को मिल गया था। तो सिंध जब ब्रिटिश जीत गए थे उसके बाद देखते हैं क्या होता है 1843, अब सिंध यानी ब्रिटिश अब बाजू के रीजन में आके बैठ चुके थे। दूसरी बात ये थी कि अब इधर रंजीत सिंह जैसे कोई स्ट्रांग रूलर भी नहीं थे, अब ब्रिटिश के पास काफ़ी मौका था कि ब्रिटिश कुछ करे। अब हो गया एक इम्पॉर्टेंट इवेंट शुरू, अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट इवेंट। एक म्यूचुअल डिमांड थी कुछ, और कुछ एक्यूसेशंस थे जो सिख दरबार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो रहा था। सो सिख दरबार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो रिलेशन थे वो ख़राब हो रहे थे, दोनों को अब एक दूसरे की जो डिमांड थी वो ठीक नहीं लग रही थी, पसंद नहीं आ रही थी, जिसके कारण इनके जो रिलेशन बने थे एक ट्राइपार्टाइट जो भी बना था पहले वो ब्रेक हो गया, एंड इट जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वर ब्रोकन आफ्टर म्यूचुअल डिमांड्स एंड एक्यूसेशंस, है ना। तो सब अपना इंडिपेंडेंट रूल चाह रहे थे, ब्रिटिश चाह रहे थे, सिख चाह रहे थे, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण दोनों एक साथ काम नहीं कर पाए और इनके रिलेशन टूट गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ये रिलेशन खराब हो गए, जब दोनों को एक दूसरे की डिमांड जो थी ये ठीक नहीं लग रही थी, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ने, ब्रिटिश की जो आर्मी थी उन्होंने फिरोजपुर पे जाना शुरू कर दिया।
पंजाब में आता था फिरोजपुर, फिरोजपुर पे उन्होंने अपना जो मार्चिंग है वो शुरू कर दिया और फिरोजपुर पे अटैक कर दिया। फिरोजपुर पे अटैक करने के बाद आप देखोगे तो इस रिस्पांस में ब्रिटिश ने जो काम किया, सिख जो थे, सिख आर्मी थोड़ी ना शांत बैठने वाली थी। सिख आर्मी ने, जिनको खालसा कहते हैं, तो सिख आर्मी ने यहां से सतलज जो रिवर है उसको क्रॉस करना शुरू कर दिया। 11 दिसंबर 1845 की बात है कि सिख आर्मी सतलज रिवर क्रॉस करने लगी। ब्रिटिश को ये लगा कि सिख आर्मी जो है ये अटैक करने वाली है, बट सिख आर्मी का ये मानना था कि हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं हमारे जितने भी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक विलेज है जिसका नाम मोरन करके एक विलेज है, वो विलेज जो है वो डिस्प्यूटेड है, वो किसका है ये हमको नहीं पता उसके ओनरशिप, इसलिए हमको वहाँ जाना ज़रूरी है और वहाँ का डिस्प्यूट सॉल्व करना ज़रूरी है, इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं जो ईस्ट साइड में आता है, ईस्ट में। सो नॉर्थ का रीजन दिया था ट्रीटी से, बट ये ईस्ट में जा रहे थे, तो इन्होंने ये कहा कि वो ईस्ट में हमारा कुछ रीजन आता है, ब्रिटिश ने ये कहा, और आपकी आर्मी वहाँ पे आ रही है, यानी ये जरूर ये चीज़ दर्शा रही है कि आप वॉर करना चाहते हैं, आप आर्मी लेके आ रहे हो तो आप वॉर करना चाहते हो, और इस चीज़ के चलते ब्रिटिश ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटिश ने कहा कि हम भी रेडी है और हम आपके आर्मी को रोकेंगे, और आर्मी को रोकने का प्रयास किया गया, ब्रिटिश ने वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। वॉर हुआ काफ़ी, अगर देखोगे तो काफ़ी ब्रेवली दोनों तरफ से लड़ा जा रहा था ये वॉर, ब्रिटिश भी लड़ रहे थे, सिख भी लड़ रहे थे, और बहुत ब्रेवली ये वॉर लड़ा गया। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे रंजीत सिंह जैसे, फिर भी सिख आर्मी जो थी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, और वो दे फॉट ब्रेवली, दे फॉट दिस वॉर वेरी ब्रेवली। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट ऐसा आया कि लाल सिंह और तेजा सिंह जो थे, ये कमांडर्स अगर आप कहेंगे आर्मी के, सो ये लोग जो थे इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक तरफ से अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने ब्रिटिश के साथ मिलके सिख जो थे उनके साथ धोखा किया। लाल सिंह और तेजा सिंह ने पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश तक पहुंचाना शुरू किया, जिस कारणवश ब्रिटिश जो सिख थे उनको 5 सक्सेसिव डिफीट्स फेस करना पड़ा, 5 हार हुई उनकी, 5 जगह पे हार हुई। तो ये देखेंगे कि वो ब्रेवली लड़ रहे थे, बट आपके कुछ जब लोग हैं, कुछ आपके ऑफिशियल्स हैं, जब ये आपके खिलाफ चले जाते हैं और आपके शत्रु जो होते हैं, आपके जो अपोनेंट होते हैं उनको ये सपोर्ट कर देते, तो आपकी जो भी आपका पोजिशन होगी ये थोड़ी सी वीक हो जाती है, और ये वीक होने लगी। तो यहाँ पे जो 5 डिफीट हुए वो सबसे पहले आप देखोगे मुड़की में हुआ, मुड़की जो है ये 18 दिसंबर 1845 को सिख यहाँ पे हार गए। दूसरा है फिरोज शाह में अगर आप देखोगे तो दिसंबर 22 या 21 से लेकर 22 तक ये वॉर चला, और उसमें ये 1845 में इनकी हार हो गई दिसंबर। फिर बुद्देलवाल है और अलीवाल है, अलीवाल और बुद्देलवाल में जनवरी 28 को यहाँ हार हुई। तो 1, 2, 3, 4 रीजन आपने देखा, और 4th-5th जो रीजन था वो था सोब्रोन में फरवरी 10, 1846 को हार हुई थी। इस तरह से 5 हार फेस करना पड़ा था ब्रिटिश सिख आर्मी को। अब सिख आर्मी ने सरेंडर कर दिया, और जो लाहौर था अगर आप देखोगे तो लाहौर तो बिना जीते ही ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया फरवरी 20, 1846 को, क्योंकि काफ़ी सारे रीजन हार चुके थे सिख आर्मी, और उन्होंने डायरेक्ट लाहौर पे कब्जा कर लिया। बट सिख आर्मी इस वक्त इस कंडीशन में नहीं थी कि वॉर कर सके, और इस तरह से कुछ रीजन जो थे ये ब्रिटिश के पास चले जाते, और मेन जो रीजन ब्रिटिश जीतते हैं वो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये लाहौर का रीजन। लाहौर का रीजन जीतने के बाद ब्रिटिश जो है ये काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे। तो ये अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश की पोजीशन बहुत स्ट्रांग बन चुकी थी, और अब बारी आ चुकी थी कि ट्रीटी साइन किया जाए। तो इस तरह से हार हुई थी सिख आर्मी की किसी कारणवश। यहाँ पे आप देखोगे लाल सिंह और तेजा सिंह के कारण आप कह सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे जीतना, यहाँ पे एक कड़ी टक्कर तो थी ही, हम कह नहीं सकते थे कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन कर दी गई, और ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन कर दी गई मार्च 1846 को। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर बहुत ही अलग ट्रीटी ब्रिटिश ने बनाई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर ये साइन कर दी गई बिटवीन सिख एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप देखोगे तो इस आर्मी में कहा था कि लगभग 1.5 करोड़ का हमको नुकसान हुआ है इस वॉर में, ऐसा ब्रिटिश कहते हैं, और आपको ये नुकसान जो है ये ब्रिटिश हमको वापस देना पड़ेगा, हमको भर के देना पड़ेगा पूरा नुकसान, कंपनसेशन देना पड़ेगा। सो वॉर इंडेमनिटी फिक्स की गई, दैट इज 1.5 करोड़, सो 1.5 करोड़ के आसपास थी। और अगर आप देखोगे तो जालंधर का दोआब जो है, आपको जालंधर देखना है, जालंधर दोआब, दो नदियां हैं, ठीक है, ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज के बीच का जो भी रीजन आएगा इसको कहा जाता है जालंधर दोआब। दोआब यानी दो नदियों के बीच का रीजन, दो नदियों के बीच के रीजन को दोआब कहा जाता है। और इस रीजन का सबसे मेन सिग्निफिकेंस ये होता है कि यहाँ लैंड बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि दोनों तरफ से लैंड को पानी मिलते रहता है, सो यहाँ फसलें बहुत अच्छी आती है। तो ब्रिटिश ने जालंधर दोआब खुद के पास रख लिया। और तीसरी बात ये थी कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट आके आपके एरिया में रुकेंगे, जस्ट लाइक सब्सिडियरी अलायंस, रेसिडेंट रुकते और आपके आर्मी और ये सब यहाँ पे काम किए जाते। तो हेनरी लॉरेंस जो है ये आपके दरबार में आके रुकेंगे, लाहौर में आके रुकेंगे,
और इस पे नज़र रखेंगे लाहौर पे, और जिस तरह से आप देखोगे तो ब्रिटिश रेसिडेंट आ गए। तो यहाँ एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि सिख जो है इनको, यहाँ पे मैं कश्मीर की बात करता हूँ। देखिए कश्मीर की आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, कश्मीर आपने बहुत बार देखा है, तो कश्मीर के बारे में आपको बता दूँ कि कश्मीर ये डिस्प्यूटेड रीजन रहा है पहले से, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले से ही। सो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से वो डिस्प्यूट मेनली शुरू होते हैं, जब सिख जो थे वो वॉर इंडेमनिटी नहीं दे पाए। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो रंजीत सिंह थे वो कश्मीर जीत लिए थे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉर इंडेमनिटी 1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा थी, इतने सिख आर्मी नहीं दे पाए, और सिख नहीं दे पाए तो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू जो है वो आप गुलाब सिंह जो है उनको बेच दो, और 75 लाख जो है वो गुलाब सिंह कंपनी को दे देंगे आपकी बची हुई अमाउंट। तो बाकी जो अमाउंट थी वो तो पे कर दी थी सिख लोगों ने, तो बाकी जो बची हुई अमाउंट थी वो उन्होंने कहा कि आप पे मत कीजिए, आप सिर्फ आपके पास जो कश्मीर का एरिया है वो आप बेच दीजिए गुलाब सिंह को, आप उनसे पैसे मत लीजिए, पैसे हम ले लेंगे। सो इस तरह से गुलाब सिंह को बेची गई। गुलाब सिंह के बाद राजा हरि सिंह आते, इस तरह से कश्मीर के ऊपर रूल करना शुरू, और कश्मीर जो ये 75 लाख में बेचा गया था। कैन यू इमेजिन, कश्मीर जो है ये सिर्फ 75 लाख में गुलाब सिंह जो थे उनको दे दिया गया था। आज अगर आप देखोगे तो एक साधा, आप कोई छोटी मोटी जमीन खरीदने जाए तो आपको जमीन भी नहीं मिलेगी 75 लाख में, बड़ी जमीन तो इतना बड़ा एक स्टेट बेच दिया गया था। उसके बाद अगर देखोगे तो कश्मीर को ट्रांसफर करना था गुलाब सिंह के लिए, तो ये ट्रीटी के द्वारा नहीं किया गया था, ट्रीटी में सिर्फ लिखा था कि गुलाब सिंह को दे दो, बट उसके लिए एक अलग से ट्रीटी साइन कर दी गई थी जो 16 मार्च 1846 को दे दिया गया था गुलाब सिंह को। तो इस तरह से कुछ हमारी हिस्ट्री है, कश्मीर की हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर से। इसीलिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक वॉर पता चलता है, एक ट्रीटी साइन कर दी गई उसके बाद दूसरी ट्रीटी भी साइन करना पड़ा, क्योंकि ये जो चीज थी, अब देखेंगे कि दूसरी जो ट्रीटी थी उसका नाम है ट्रीटी ऑफ भैरोवल, और ट्रीटी ऑफ भैरोवल ने साइन की थी ऑन December 1846। जो सिख थे, सिख वर नॉट सेटिस्फाइड विद ट्रीटी ऑफ लाहौर। लाहौर में जो भी ब्रिटिश ने शर्तें रखी थी और जो मंजूर की थी दलीप सिंह ने, या फिर दलीप सिंह की तरफ से रानी जिंदन ने, वो इनको पसंद नहीं आई थी कि आपने कश्मीर बेच दिया था, और जो रिबेल यहाँ पे शुरू हो चुका था है ना, तो लोग इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिए थे। तो अब ये जो भी लोगों के एक्शंस थे उसको रोकने के लिए ब्रिटिश ने एक ट्रीटी साइन कर दी गई, और इस ट्रीटी का नाम हुआ ट्रीटी ऑफ भैरोवल। सो ट्रीटी ऑफ भैरोवल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो रानी जिंदन जो है उन्होंने एक गलती की थी, ऐसा लोगों का मानना था, सिख का मानना था, कि उन्होंने कश्मीर बेच के सबसे बड़ी जो गलती की है तो वो इस लायक नहीं है कि वो अभी रूल कर सके हमारे रीजन पे, तो दलीप सिंह के साथ मिलके, तो रानी जिंदन जो है उनको निकाल दिया जाए एज अ रीजेंट, और इनके जगह पे एक काउंसिल बिठा दी जाए। ठीक है, दलीप सिंह रहेंगे वहाँ, हमको उस पर कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ अगर आप देखोगे तो एक काउंसिल रहेगी जो अभी डिसीजन लेगी। सो एक काउंसिल बनाई गई पंजाब में, और ये काउंसिल में 8 सिख सरदार होंगे जिसके प्रेसिडेंट होंगे जो आपने इंग्लिश रेसिडेंट रखे हैं हेनरी लॉरेंस आपने ला के रखे हैं। आप कह रहे हैं कि लाहौर उनके अंडर आता है, तो ठीक है वो हमारे हेड होंगे, बट 8 सिख सरदार जो है ये फैसला लेंगे अब से, रानी जिंदन फैसला नहीं लेगी। और ये अगर आप देखोगे तो कंक्लूजन मेनली ये निकला कि ब्रिटिश को कंट्रोल मिल गया गवर्नमेंट में, क्योंकि अब देखेंगे आप तो जो गवर्नमेंट थी, यानी आप 8 सिख सरदार जो है उनकी काउंसिल जो बनाई गई, ये रखी गई थी हेनरी लॉरेंस के अंडर, और इस तरह से जो इफेक्टिवली कंट्रोल ब्रिटिश को मिल चुका था गवर्नमेंट में। ओके, सो इस तरह से ब्रिटिश ने यहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। सो ये जो है ये पूरा एंग्लो सिख वॉर जो है ये हमने स्टडी किया 1845 से 46 तक, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बैकग्राउंड से शुरुआत की, हमने पंजाब से शुरुआत की। तो ये मैप जो है ये आप अच्छे से अभी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 ट्रीटीज़ भी साइन कर दी गई थी, एक ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ भैरोवल। अब कश्मीर जो है ये बेच दिया गया था। सो इस तरह से ये पूरा वॉर चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ मेरे फेसबुक के पेजेस है श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, उनको आप फॉलो कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए श्रेयस बड़ी द पीस लवर, और मुझे मेल करना चाहो तो आप श्रेयस बड़ी@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर and have a good day.